उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। वर्तमान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उनमें सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सहयोग शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पारदर्शी व त्वरित चयन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7,540 नवीन पदों का सृजन और शिक्षकों के चयन में केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए राजकीय विद्यालयों में 7,001, सहायता प्राप्त विद्यालयों में 23,401 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि जो 10,000 थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों के उत्कृष्ट अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंडल के एक उत्कृष्ट शिक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिथि विशेष विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाईस्कूल स्तर पर 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और इंटरमीडिएट स्तर पर 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। मैं यहाँ ये भी बताऊंगी कि हमारी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा को पुनर्निरीक्षित करते हुए नए ट्रेड का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।